हेलो दोस्तों, जय हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज आपके सामने है एक बेहतरीन क्वालिटी के लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड पपी लॉन्ग हेयर, जिसमें फादर एंड मदर दोनों ही एक लॉन्ग हेयर पपी है। आप लॉन्ग हेयर है, आप ये देख सकते हैं बच्चे के, अभी से ये 15 दिन के बच्चे हैं, बट 15 दिन के बच्चे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। टेल साइज, बालों के आप जितने घने बाल से बैठे लगा सकते हैं कि ये बच्चे बहुत अच्छे होने वाले हैं। कैसे होने वाले, इस वीडियो में आपको डेमो दूंगा कि बड़े बच्चे कैसे बनेंगे। एंड ये अभी मदर पप्पी देख के टिफिन देख सकती, ये फुल लॉन्ग फिडे, देखिए बाल देखिए मदर का, एक फुल लॉन्ग कोट मदर है। एंड दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि बच्चे देने के बाद फीमेल पतली हो जाती है, बला बला, ये सब दोस्तों बहाना है। अगर आप प्रॉपर डाइट दे रहे हो, मदर को प्रॉपर खाना दे रहे हो, तो कोई पतली दुबली, देखो आप कहीं से लग रही पतली दुबली है यहीं दोस्तों। मैंने कई जर्मन से पढ़ते जिसमें हड्डियाँ दिख जाती है, और ध्यान क्या मारते हैं कि भैया बच्चे दूध पी रहे, यार जितने भी दूध पी रहे बच्चे, आप प्रॉपर अगर डाइट दोगे तो फीमेल कभी अभी पतली नहीं होती, यू नो फीमेल बिल्कुल मेंटेन होती है। तो अब आप दोस्तों, हाँ ये वाइट स्पॉट कई बच्चों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता है कि कहीं छोटा सा हल्का फुल्का वाइट स्पॉट, ये नेग्लिजिबल है, इसे क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर छोटा मोटा हो। उसके बाद दोस्तों, ये जो ये मेरे कई लोगों ने, कई भाइयों ने वीडियो देख चुके हैं, ये पुराना वीडियो है जो मैंने आई थिंक लास्ट लीटर जो मैंने दिया था मैंने, तो ये आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे, ये बच्चे हैं 1 महीने बाद कैसे बनेंगे। तो उससे सारे के सारे बच्चे 1 महीने बाद आपको इस क्वालिटी का मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। कि डॉग जो हमारा जोकर, वो लॉन्ग कोट है, मदर लॉन्ग कोट है। एंड आप ये बच्चे देख सकते हैं, आपको लॉन्ग कोट का पहचान कर बताया दोस्तों, ये जो हेयर सर के ऊपर ही, सर के ऊपर ऐसे हेयर होने चाहिए, ये कानों के पीछे, ये कानों के पीछे, ये बाल, ये कम से कम 1.5 से 2 इंच पीठ के पीछे हेयर होने चाहिए। आप ये देखिए, ये पैरों के पीछे, पैरों के पीछे बालों का ऐसे गुच्छा होना चाहिए। और यू नो ये सारे पहचाने हैं जो एक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड होना होना चाहिए, आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों, पपी 45 डेज़ का है, अंडर एज नहीं है, सबसे पहली बात तो दो हाथ दो चार है। ऐसे नहीं एक आधा बच्चा आए, कभी मत लो, जब तक बच्चे दो हाथ में आए आप गलती से भी पपी मत लीजिएगा, नहीं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। एंड दोस्तों, आप लोग हर बार कहते हैं कि भैया आप मदर एंड फादर एक साथ लाया करो, तो फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैंने जितनी फीमेल्स वो सब मेरे पास अंबाला में है, और जितने मेल रखे हैं वो हमने लाडवा में रखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या है कि स्टर्ड सर्विस है, वहाँ पे मेल, वहाँ पे जर्मन शेफर्ड के लैब की मीटिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे अंबाले में उतना नहीं है, क्योंकि अंबाले में ब्रीडर कम है, ब्रोकर ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे उतनी मतलब नहीं। अब मैंने लैब रख शेरखान रखा है, आई थिंक मैंने में एक आधा मीटिंग की गलती से आता है, एक या दो बस, और यही अगर मैं शेरखान वहाँ था, वहाँ पे मैंने मैं 7-8 मीटिंग आया करता, उसके जबकि मैं तक कराते नहीं है, चार मैक्सिमम 4 करवाते हैं, बट फिर मीटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो नो डाउट वहाँ रख के बेनिफिट है, यहाँ रख के फायदा नहीं, इसकी वजह से हम हर वीडियो में आपको पेरेंट्स इकट्ठे नहीं दिखा पाते हैं। एंड बट ट्राई करता हूँ कि मैं सब क्वालिटी A1 दूँ। हाँ दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि जगह कान के बारे में, दोस्तों मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ प्रीवियसली, ये और जो माचो है मेरा डॉग जर्मन शेफर्ड, आपने लड़ चुके, जिसकी वजह से मेरे कान में थोड़ा सा यू नो कट लग गया, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से कान का नस कट चुका है, और ये अपने एक कान डाउन है, बट ये बाय बर्थ नहीं है, इसका मैं फोटो लास्ट टच कर रहा हूँ। और ये देखिए क्वालिटी, देखिए हेयर साइज़ देखिए, 5-5, 6-6 इंच इसके हेयर साइज़ है, जबकि दोस्तों अभी बाल झड़ रहे हैं अभी आपको, अगर ये एक्चुअल जो प्रो जोकर का है, वो इसके बाल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जमीन में टच होते हैं। शानदार, एक बेहतरीन डॉग है। एंड दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ कि अपना 100% देना, आपको एक अच्छा हेल्थी पपी डिलीवर करना, ताकि जो आपके पैसे मेहनत के वो गलत जगह ना लगें। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अगर आप किसी से भी ले रहे हो दोस्तों, तो पेरेंट्स को देख के वीडियो कॉल करके ही लीजिए, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड, क्योंकि दोस्तों अभी इस पीछे स्कैम भी हुआ था कि मेरे जो ये पपीज़ थे, यही लोगों ने खरीद के अंबाले वाले अपने चैनल में दिखा दिखा के बेच रहे, अपने डॉग का बच्चा बना के बेच रहे थे, तो मेरे ही डॉग के बच्चे को अपने डॉग का बच्चा बना के बेच रहे थे, और रेट वगैरह जो भी XYZ है। तो ऐसे स्कैम से बचे, एक्चुअल पता करें कि पेरेंट्स किसके पास है, और किसी रजिस्टर्ड कैनल से ही लीजिए, या सर्टिफाइड कैनल से लीजिए, या फिर इनके पास पेरेंट्स अवेलेबल हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पे के लोगों के पास पेरेंट्स होते नहीं और लगे पड़े हैं, तो ध्यान रखिए वीडियो कॉल करके पेरेंट्स चेक कर लीजिए कि पेरेंट्स किसके पास है, उसके बाद ही पैसा लगाओ, क्योंकि दोस्तों आपको पैसा सोच समझ के लगाना, काफ़ी मेहनत का पैसा होता है। एंड दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। हैव ए ग्रेट डे दोस्तों, जय हिंद।